हेलो दोस्तों, आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज मेरे इस नए वीडियो में आप उन 7 अजूबों को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। उनमें से पहला है सालार दे उयुनी। ये दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। जी हाँ, नमक का मैदान जो 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक दर्पण भी कहा जाता है। सालार दे उयुनी को दुनिया का अजूबा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धरती दर्पण की तरह दिखती है, जिसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती से आकाश का मिलन ही हो गया। अद्भुत नजारों के लिए यह जगह दुनिया भर में फेमस है, जिन्हें देखकर आपकी सांसें भी थम जाएगी। अब सालार दे उयुनी अपने सबसे खूबसूरत दृश्यों के लिए जानी जाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है, जो बहुत पहले वाष्पित हो चुकी झीलों द्वारा छोड़ा गया है। ये वीडियो आपके दिल को छू लेगा, जिसमें दिखता है सफेद बादलों से भरे स्काई ब्लू आकाश का प्रतिबिंब नीचे पानी पर बनता है। यह ऐसा दृश्य है जिसे शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा। बरसात के मौसम के दौरान नमक के मैदान की सतह पर पानी जमा हो जाता है, जिससे एक विशाल दर्पण बनता है जो आकाश और बादलों को प्रतिबिंबित करता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल दर्पण कहा जाता है, साथ ही इसे मिरर ऑफ द स्काई भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा या सुना होगा कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, लेकिन कुदरत का ऐसा करिश्मा देखने के बाद शायद हमको यकीन नहीं होगा कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पानी नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर की ओर बहता है। यह जगह भारत के छत्तीसगढ़ में मणिपाट क्षेत्र बिसरपानी गांव में उल्टा पानी मतलब मैग्नेटिक हिल नाम की एक जगह है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और यह वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। कई लोग इसे देवीय शक्ति का रूप मानते हैं। तो चलिए जानते हैं कुदरत के इस अनोखे करिश्मे को, जो छत्तीसगढ़ के मेनपाट क्षेत्र में बिसरपानी गांव मतलब उल्टा पानी के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह एक छोटे से पत्थर के नीचे से पानी रिस कर नीचे ढलान की ओर बहने के बजाय एक पहाड़ी पर करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई की ओर बहती है, जिसके कारण इस जगह का नाम उल्टा पानी पड़ गया। अलौकिक प्राकृतिक आश्चर्य कच्छ का रण पृथ्वी पर सबसे बड़े नमक दलदलों में से एक है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर उत्तर पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। कच्छ के रण का जन्म भारत और पाकिस्तान की उबड़ खाबड़ सीमाओं के बीच फैला कच्छ के रण के नाम से जाना जाने वाला विशाल नमक दलदल एक गर्भीय बदलाव का परिणाम है। इस हलचल ने अरब सागर तक पहुँच को अवरुद्ध कर दिया, जिससे थार रेगिस्तान के बीच में क्रिस्टलीकृत नमक का एक असामान्य विस्तार रह गया। नमक क्षेत्र का नाम रेगिस्तान के लिए हिंदी शब्द रण और कच्छ जिले के नाम पर रखा गया है। कच्छ शब्द 200 साल पहले आए भीषण भूकंप ने इस इलाके की पूरी भौगोलिक आकृति को ही बदल डाला। भूकंप के झटकों की वजह से यहाँ की जमीन उठ गई और अरब सागर से यहाँ का संपर्क कट गया। इस वजह से यहाँ रेगिस्तान का खारा पानी भर गया। लद्दाख की मैग्नेटिक हिल बहुत पॉपुलर है। यहाँ लोगों के लिए लद्दाख में आकर्षण का एक केंद्र है। यह ऐसी जगह है जहाँ लोग सोचते हैं कि कारें बिना इंजन चालू किए या न्यूट्रल बिना किसी गियर में डाले ऊपर की ओर चढ़ती है। यह जगह लेह से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। देखने में लगता है कि यह सड़क सपाट ढलान पर बनी हुई है और जब लोग अपनी कारें न्यूट्रल गियर में रखते हैं तो वह ऊपर की ओर ऑटोमेटिकली चढ़ने लगती है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र है जो कार को ऊपर की ओर खींचता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर हवा का बहाव ऐसा है जो कार को ऊपर की ओर धकेलता है। इतने ही नहीं, कुछ लोगों का मानना भी है कि इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण का नियम बदल जाता है और उसके कारण ही कारें खुद से ऊपर चढ़ने लगती हैं।